हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट लाइफ। अभी हमारे साथ हैं राघवेंद्र शर्मा सर, जिनका अभी हाल में जो 2021 में रिजल्ट आया था, 340 रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हुआ। उनका ये सेकंड अटेम्प्ट था और लगातार उनका ये दूसरा इंटरव्यू था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे वो लगातार दो बार प्रीलिम्स मेंस क्लियर किया और ऐसी तमाम प्रकार की बातें। रिजल्ट आने के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने आपको कैसे मोटिवेट रखा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले सर अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने 8वीं तक जो पढ़ाई की वो यहीं घर के पास में एक छोटा प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से की। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन मैंने शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया। मैंने यूपीएससी की तैयारी 2019 में शुरू की और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। जी, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी, आपको मोटिवेशन कहाँ से आ गया? आपको किसी ने सलाह दिया? पहले से आपने सोच रखा था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद तैयारी में लग जाऊँगा यूपीएससी? बचपन में मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था तो पापा अक्सर कहते थे कि सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना, तो ये एक्चुअल ड्रीम उनका था। और फिर जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं सिविल सर्विसेज के बारे में जाना कि आप IAS या IPS के तौर पर या और भी जो सर्विसेज हैं उनमें आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और आप कैसे ग्राउंड पे चेंज ला सकते हैं, आप लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, तो मैं ये मेरा खुद का ड्रीम बन गया। और जब मैं कॉलेज में आया तो मतलब मैं श्योर था कि दिस इज़ द करियर जो मैं चूज़ करने वाला हूँ, तो यहीं से शुरू हुई है जर्नी। सर देखें तो आप भी देखते होंगे, आपके जो साथ वाले हैं, आपके जो जूनियर सीनियर, बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट निकल जाते हैं। तो आपने दो प्रीलिम्स दिए, मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू तक पहुँचे, तो प्रीलिम्स के लिए आप ऐसा सबसे अलग क्या करते थे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कुछ बहुत अलग करता था, मैं बेसिक चीज़ें ही मैंने की हैं, मैंने बहुत बेसिक ही किताबें पढ़ी हैं, मैंने कभी रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई नहीं किया है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ तो मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ा है, सेम वही ज्योग्राफी के लिए NCERTs, एनवायरनमेंट के लिए जो शंकर IAS की किताब है, तो मैंने बेसिक सी चीज़ें की है। कुछ एक चीज़ें जो मैं मानता हूँ जिसने मुझे हेल्प की होगी वो ये है कि मैंने सवाल बहुत सॉल्व किए। तो जब मैंने पिछला अटैम्प्ट दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट जो दिया, तो तकरीबन 10,000 MCQs मैंने सॉल्व किए होंगे अपने पेपर से पहले, उस एक साल के दौरान जो एक साल तैयारी का था, उस दौरान मैंने कम से कम 10,000 MCQs सॉल्व किए होंगे। और ये अगर मैं डिवाइड करूं तो मैंने करीब 30 से 40 फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे, तो वो 3,000 से 4,000 क्वेश्चंस हो गए। साथ ही मैंने YouTube पे वीडियोस, एक पॉलिटी के लिए 1000 क्वेश्चंस करके एक लेक्चर सीरीज़ है, मैंने वो देखे, तो 1000 क्वेश्चंस वहाँ से हो गए। फिर मैं जब कोचिंग जाता था, मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, तो मैं जब कोचिंग जाता था तो अपर डाउन में मैं कोशिश करता था कि रास्ते में 5 से 10 MCQs सॉल्व करूँ रोज़। तो इस तरीके से धीरे 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 होकर के करीब 10,000 MCQs सॉल्व किए थे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस UPSC के बहुत अच्छे से देखे, मैंने पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको कई बार देखा होगा। तो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मेरी स्ट्रेटजी थी, इसने कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर हेल्प किया है प्रीलिम्स क्रैक करने में। जैसे आपने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो कितने दिनों तैयारी करने के बाद दे दिया था और कितने दिनों से पहले आपने नया कुछ पढ़ना बंद कर दिया था? मैंने तकरीबन 1 साल की तैयारी थी मेरी और नया पढ़ना मैं कहूँगा एक महीने पहले से मैंने कुछ नया पढ़ना बंद किया था। जो PT365 मैगजीन्स आती हैं वो सिर्फ मैंने करंट के लिए पढ़ा होगा, उसके अलावा कोई नया सोर्स नहीं रिफ़र किया था। तो लास्ट के एक महीने में सिर्फ जो आपने पढ़ा है, एटलीस्ट लास्ट के 20 दिनों में जो आपने सिर्फ पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कीजिए, कुछ नया मत उठाइए। जी, तो सर जैसे बात करें मैं प्रीलिम्स की, तो जब आप पेपर देने जाते थे तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे? जैसे जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होते थे तो कैसे उनको हैंडल करने? देखिए, प्रीलिम्स में ऐसा है कि आपको तकरीबन 50 क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, या मैं कहूँ 60 क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, आप मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चंस आपको आते होंगे। तो उन क्वेश्चंस में फिर वही मैंने जो आपको बात बताई कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है कि आप कैसे एक क्वेश्चन देख करके, ऑप्शन देख करके, और आप समझ पाते हैं कि ठीक है इसको ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक एक वहाँ से जो अपनी प्रैक्टिस से डेवलप हुई, साथ ही में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मेरा अच्छा UPSC का एनालिसिस रहा, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक तरीका समझ में आता है कि UPSC कैसे पेपर सेट करता है। तो जब आप क्वेश्चन देखते हैं और आपको पुराना कोई क्वेश्चन याद आता है तो आपको ये लगता है कि अच्छा यार इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड है या इसमें कोई फैक्ट है। तो UPSC अक्सर, जैसे अगर कोई स्कीम है, तो मैंने ये देखा है कि अगर UPSC की टेंडेंसी है कि 90% ऑफ द टाइम्स वो मिनिस्ट्री का नाम गलत डालेगा, तो ये चीज़ एक आप समझ आती है जब आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को बार बार देखते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के द्वारा
कैसे एलिमिनेट किया जाए और सही आंसर निकाला जाए, तो 60 क्वेश्चंस में से आप जो 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं वो इन्हीं तरीकों से हो पाता है जी। तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे अभी जो पिछला था और इस बार आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने तीनों प्रीलिम्स में तकरीबन मेरा 83 से 85 क्वेश्चन के बीच अटेम्प्ट किए। मैंने पहले दोनों प्रीलिम्स में 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इस बार भी मैंने 85 से 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो सर जैसे कि आपने मैथ्स भी दो बार लगातार क्लियर किया, तो मैथ्स के लिए आप आंसर राइटिंग वगैरह कितने घंटे करते थे और कैसे आंसर लिखने की कोशिश करते थे किस टाइप से? पहले तो मैंने जो प्रीलिम्स से पहले का दौर होता है जो मैंने पहले 6 महीने मैंने तैयारी की सिर्फ, उसमें थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था पर आंसर राइटिंग नहीं की थी मैंने। तो पहले 6 महीने मैंने सिलेबस अच्छे से तैयारी की, सिलेबस अच्छे से तैयार किया और जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं ठीक हूँ अब मैं एक सही पोजिशन पर हूँ, तो मैंने थोड़ा अगले 3 महीने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग करने की कोशिश की। उसमें मैं क्या करता, रोज़ 1-2 आंसर्स लिख लिए, 1-2 GS के लिख लिए, 1-2 ऑप्शनल के लिख लिए, तो थोड़ा बहुत आपको एक टाइम पर थोड़ा कंट्रोल होने लगता है, आपको थोड़ा स्ट्रक्चर करना आ जाता है। उसके बाद मेन जो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की वो प्रीलिम्स, पहले जो प्रीलिम्स था उसके बाद ही शुरू की। उसके बाद भी मैं ऐसा कोशिश करता था कि स्टार्टिंग के पहले जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में 3 महीने होते हैं, जो पहला महीना था उसमें मैंने रिवीजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बहुत सारा प्रीलिम्स मेंस का ऐसा सिलेबस है कि प्रीलिम्स से थोड़ा अलग रहता है, तो जैसे एथिक्स है वो पूरा नया होता है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल भी आप प्रीलिम्स के दौरान आप 3 महीने ऑप्शनल नहीं पढ़ते हैं। तो पहले 1 महीने में मैंने जो चीज़ें प्रीलिम्स में छूटी हुई थी वो अच्छे से मैंने रिवाइज़ की और उसके बाद उस दौरान भी मैंने थोड़ा 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन रोज़ लिखने की कोशिश की। एक घंटे में देता था और उसमें 7-8 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता था। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद मैंने फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू किया, मैंने 10 से 12 टेस्ट लिखे होंगे फुल लेंथ। तो ज़्यादातर मेरी स्ट्रेटजी यही रही, अगले अटैम्प्ट में भी सेम, मैंने पिछले अटैम्प्ट में भी सेम यही चीज़ें की। सर बात की आपने एथिक्स की, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कहते हैं कि हम मतलब ऐसे वगैरह की तैयारी नहीं करते, डायरेक्ट जाके एग्जाम में ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो क्या आपने ऐसे एथिक्स की लिख किया कि आपने पहले प्रैक्टिस की ऐसे के लिए फिर डायरेक्ट जाके लिखते हैं? ये सच है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ टॉपर्स में और मुझे भी हैरानी होती है सुन के कि वो पिछले 3-4 अटैम्प्ट से सिर्फ ऐसे में जाते हैं और ऐसे लिखते हैं, उससे पहले उन्होंने कभी कोई ऐसे नहीं लिखा है और बट स्टिल वो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अच्छा लिख लेता हूँ पर मुझे लगता है UPSC की जो डिमांड है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैंने प्रैक्टिस की थी। मैंने दोनों ही अपने अटैम्प्ट में करीब 5 से 6 ऐसे टेस्ट, मतलब 12-12 एसेज लिखे होंगे अपने मेंस के प्रिपरेशन के दौरान, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर ऐसे लिखने चाहिए। आप फीडबैक लीजिए लोगों से पर अपना जो नेचुरल वे ऑफ राइटिंग है वो मत बदलिए, आप नेचुरल रखिए, फ्लो बनाइए अपने जो ऐसे है उसमें और डायमेंशंस डालिए। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट उठ के चले जाइए, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो ऑल द बेस्ट, बट अदरवाइज आप कीजिए तैयारी, ऐसे की तैयारी कीजिए, आप ये दूसरों के ऐसे पढ़िए और आप अपना नेचुरल वे ऑफ राइटिंग रखिए, लेकिन जो UPSC की स्पेशल डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा ढाल अपना उसको एडजस्ट कीजिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से वो हो जाता है जी। सर बात करें जैसे NCERT की, तो क्या रेफरेंस बुक पढ़ के काम चल जाता है कि NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता ही होता है? आपने क्या पढ़ा है NCERT में? देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, रेफरेंस बुक मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप रेफरेंस बुक उठाइए, आप उसको पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद आप पीछे के कुछ क्वेश्चंस UPSC के उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से उठा करके देखिए। अगर आप वो रेफरेंस बुक पढ़ करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर आपको NCERTs की ज़रूरत नहीं है। NCERTs आपका बेस बनाने के लिए है, लेकिन अगर कई बार आप स्कूल में अच्छे होते हैं तो आपने सोशल साइंसेज पढ़ी हुई हैं और आप जब वो रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं तो आपको वो ग्रास्प हो जाती है, आपको समझ में आ जाती है। आपने पढ़ा NCERT? मैं अपना बताऊँ तो मैंने NCERTs नहीं पढ़ी, मैंने ज्योग्राफी की जो NCERTs होती हैं क्योंकि उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक नहीं होती, मैंने ज्योग्राफी की NCERTs पढ़ी, बट उसके अलावा मैं किताबें खरीद के तो ले आया था स्टार्टिंग की प्रिपरेशन के दौरान, जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं NCERTs सारी उठा के ले आया था, मेरे पास पढ़ी हुई है लेकिन मैंने कभी पढ़ी नहीं, मैंने रेफरेंस बुक डायरेक्टली किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे समझ में आ रहा है। तो लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप 1-2 बार NCERTs की रीडिंग कीजिए, NCERTs से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, NCERTs को बस लीजर एक्टिविटी की तरह उसको रीड कीजिए और समझिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, NCERTs ग्राफिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो NCERTs को इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए और बस बेस बनाने के लिए, उसको आपको प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ना है, प्रिपरेशन के लिए आप अपना जो रेफरेंस बुक्स है उनको ही पढ़ना है। जी सर बात करें करंट अफेयर की सर, तो उसके लिए आप कोई न्यूज़ पेपर फॉलो करते थे तो आप कितने घंटे उसको पढ़ते थे कि आपने उसके नोट्स बनाए? जो पहला सवाल है मैं कितने घंटे पढ़ता था, तो न्यूज़पेपर मैं जब शुरू भी किया था मैंने तो मुझे करीब 1.5 से 2 घंटे लगते थे और
फिर उसके बाद जब मुझे 5-6 महीने प्रिपरेशन में हो गए थे, तो मैं न्यूज़पेपर में कोशिश करता था कि मैक्सिमम 1.25 घंटे जाए, 1.25 घंटे से ज़्यादा ना जाए। और मैं, मेरी यही सलाह होगी सारे एस्पिरेंट्स को कि आप न्यूज़पेपर में अगर 3 घंटे लगा रहे तो आप गलत कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने ऑफ योर प्रिपरेशन ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि अभी आपको UPSC के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जब 2-3 महीने की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको UPSC के सिलेबस की डिमांड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। और जब आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको 1.25 घंटे से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि नोट्स बनाए, तो मैंने कभी न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाए, और फिर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर से नोट्स ना बनाए। आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स मंथली आती हैं वो कई सारे सोर्सेज से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कंपाइल करके लाती हैं, तो आप क्यों अपना टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट कर रहे हैं? मंथली मैगजीन, बिल्कुल मंथली मैगजीन्स पढ़िए, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड एट द मोस्ट अगर आपको न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो फ़ोन में एवर नोट डाउनलोड कीजिए। आप, मैं एवर नोट में नोट्स बनाता था अपने फ़ोन में ही, अपने फ़ोन में एवर नोट का ऐप डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको 2-4 चीज़ें न्यूज़पेपर में अच्छी लगती हैं कि हाँ ये उठा लेते हैं, तो आप उसको एवर नोट में लिखिए, हैंड टू हैंड 2-3 मिनट का काम है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको न्यूज़पेपर से नोट मेकिंग करनी चाहिए। सर बात करें जैसे फर्स्ट अटैम्प में आप इंटरव्यू तक पहुँचे सर, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कम दिन, शायद 1 महीना या 15 दिन ही बचते हैं, तो अपने आपको आपने कैसे संभाला, अपने आपको मोटिवेशन लगी हाँ मुझे करना है, कैसे किया? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल दौर था, क्योंकि मैं बहुत होपफुल था कि मैं रिजल्ट में लिस्ट में आऊँगा, तो बहुत हार्ड ब्रोकन था। और जब मार्कशीट आई 2-3 दिन बाद तो मुझे पता चला कि मैं सिर्फ 2 मार्क्स से मिस किया फाइनल कट ऑफ, तो काफ़ी हार्ड ब्रोकन था, मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। और मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं था क्योंकि अगले 12-13 दिनों बाद प्रीलिम्स था, और सच कहूँ तो रिज़ल्ट के एंटिसिपेशन में कोई पढ़ाई भी नहीं हुई थी, तो अब मुझे समाव एक इम्पॉसिबल सा टास्क करना था कि 13 दिनों में पढ़ाई करके प्रीलिम्स को क्रैक करना है। मैं किसी को बोलता था तो सबने पेरेंट्स ने भी, दोस्तों ने भी, रिलेटिव्स ने यही सजेस्ट किया कि ये प्रीलिम्स स्किप कर दो, अगर अभी आप बैक टू बैक 2 फेलियर्स होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो आ जाएगा, 15 दिन बाद आप फिर से प्रीलिम्स दे रहे हो और उसमें भी फेल कर जाते हो तो आपके लिए काफ़ी बुरा होगा। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रीलिम्स दूंगा, क्योंकि मैं 1 साल तो इस फेलियर के साथ नहीं जी सकता था। मुझे लगा कि अगर मैं 15 दिन बाद प्रीलिम्स देता हूं और वो एक सक्सेस मिलती है कि मैं प्रीलिम्स दोबारा क्लियर करता हूं, तो इस वाले फेलियर से डील करने में मुझे हेल्प मिलेगी। तो बहुत मुश्किल दौर था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई सुपर हीरो हूँ, मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब थी, मैं सो नहीं पाता था ठीक से, खाने का कोई होश नहीं था। पर मुझे लगता है कि वो एक जुनून होता है कि यार इतनी मेहनत है, इसको अब रेस्ट तो नहीं दे सकते 1 साल के लिए, 15 दिन में प्रीलिम्स से अपना बेस्ट देंगे, उसके बाद देखी जाएगी। तो मैंने प्रीलिम्स दे दिया था और समाव क्लियर भी हो गया। जी सर, सर जो न्यू एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन में आना चाहते हैं तो वो क्या ऐसी बुक्स फॉलो करना है जिनका वो रेफरेंस बुक से काम चल जाए, आपने क्या फॉलो किया प्रीलिम्स के लिए? देखिए बुक लिस्ट तो मैं अपनी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी बहुत बेसिक सी बुक लिस्ट है, कुछ खास नहीं है। मैं ये मानता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो नया एस्पिरेंट है, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको मेरे से ज़्यादा किताबें पता है, मुझे बहुत बेसिक सी किताबें पता है। मुझे डीडी बसु मैंने आज तक उठा के नहीं देखी पॉलिटी के लिए, मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा कभी इधर उधर नज़र नहीं मारी, तो आपको मेरे से ज़्यादा किताबें पता है। लेकिन आपको अगर मुझसे कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि आपको ज़्यादा किताबों के बारे में जानना ही नहीं है, आप जो बेसिक सी किताबें हैं उनको देखिए, जो आपको हर एक टॉपर बताता है यही बात, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट में जाकर के आप खूब सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, वो मत कीजिए। अपना जो बेसिक है, पॉलिटी के लिए किताब, हिस्ट्री के लिए एक किताब, चाहे वो मॉडर्न एंशियंट या मिडाइवल हो, कल्चर के लिए एक किताब, बस उसको रखिए, उसको मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, ढेर सारे टेस्ट सॉल्व कीजिए, मुझे लगता है बस यही कीजिए, अपने रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई मत कीजिए, ये काफ़ी आपके लिए हार्मफुल होगा। जी सर, आपका ऑप्शन क्या है? मेरा ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आपने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया फिर आप PSIR में चले गए, तो ऐसा क्यों किया? तो आपको कितना हेल्प हो रहा है UPSC की जर्नी में अभी तक 2 अटैम्प्ट? यार ये मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से था, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन की, और ऑनर्स कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है एक्स्ट्रा, जिसको जेनरिक इलेक्टिव बोलते हैं, तो मैंने उसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था और मुझे काफ़ी दिलचस्पी आई उस सब्जेक्ट में। और ग्रेजुएशन के बाद मुझे जब ऑप्शनल चूज़ करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस को और एक्सप्लोर कर सकता हूँ अगर मैं इसको ऑप्शन लेता हूँ, तो ये मेरा रीज़न था। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का एक बेनिफिट ये रहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, एक तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट भी था, और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब आपके GS 1-2 में काम आ जाते हैं, तो ये एक अदर रीज़न था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। तो सर जैसे जो अभी प्रीलिम्स हो गया, इस बार जो मेंस देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका लास्ट में क्या मैसेज है? लास्ट में यही मैसेज होगा कि आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए,
प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको, मुझे लगता है कि आपको पता है कि क्या करना है, क्योंकि इतनी सारी टॉपर्स वीडियोस इतने सालों से यूट्यूब पे हैं और आपने बहुत सारी देखी होंगी आई एम प्रीटी श्योर, तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, बस ईमानदारी के साथ वो करिए। प्रीलिम्स के लिए रिविजन कीजिए मल्टीपल टाइम्स, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम अपनी बाइबल की तरह पढ़िए। सेम मेंस के लिए जाता है कि मेंस के लिए आपको जो बेसिक सोर्सेज हैं उसको रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स, टेस्ट जितने हो सके लिखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए। बेसिक सी चीज़ें करनी है, ईमानदारी के साथ कीजिए, अपने डिस्ट्रैक्शंस को सबसे कम रखिए, मोटिवेशन की जगह आप डिसिप्लिन पे फोकस कीजिए। आपको रोज सुबह उठ करके एक सेम टाइम टेबल को फॉलो करना है और उसको आप डिसिप्लिन के साथ अगर आप 1 से 2 से 3 साल फॉलो कर सकते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।